साथियों, उमेश पाल हत्याकांड के मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। देखिए, उमेश पाल की गाड़ी जैसे ही उनके आवास के सामने ये देखो बाहर आती है, तो वहाँ पर पहले से कुछ लोग घात लगाए बैठे थे, और जैसे ही वो गाड़ी से उतरने का प्रयास करते हैं, और आगे की सीट पर उनका गनर बैठा था, और जैसे ही उनके उतरने का प्रयास करें जैसे ही उतरते हैं तो पहले से घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक एक करके गोलियां बरसाते हैं, जिससे कि वो वहीं गिर जाते हैं। उनका गनर भी जैसे उनको बचाने की कोशिश करता है, वो भी वहाँ पर गिर जाता है, और फिर ये शूटर उनको पीछे पीछा करते हैं, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए अंदर भागते हैं। लेकिन वहाँ पर वो शूटर उनके पीछे चला जाता है, उसके बाद दूसरा भी शूटर जाता है और उनको वहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसा देता है, जिससे कि उन पर वहाँ पर मौके पर मृत्यु हो जाती। फिर इस गनर की जो राइफ़ल थी, वो एक शूटर इनकी राइफ़ल लेके फरार हो जाता है। फिर किसी तरीके से ये पुलिस का जवान वहाँ से उठता है और अंदर उनको बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इन शूटरों ने इस गनर को भी नहीं छोड़ा और ताबड़तोड़ उस पर भी गोलियाँ बरसा दी। फिर उसके बाद इसमें जो ड्राइवर था उस पर भी गोलियाँ बरसाई, लेकिन शीशा बंद थे इस गाड़ी के, तो ज़्यादा उनको शायद कुछ दिखा नहीं। तो इस तरीके से ये जब पूरा मामला ये फिनिश कर देते हैं, फिर यहाँ से ये भाग जाते हैं। काफ़ी शोर शराबे के बीच ये सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगी कि यहाँ पर ये शूटर भी बैठे हैं। तो साथियों, इस तरीके से कितनी ये दर्दनाक इनका हादसा हुआ और कितना दर्दनाक ये मौत हुई, और पूरे चारों तरफ मार्केट में सन्नाटा ही सन्नाटा हो गया। किसी को पता ही नहीं लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, और पूरा मामला किसी को पता भी नहीं चला, और ये शूटर यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो यूपी में जो इस समय कानून व्यवस्था है, वो बहुत ही चरमराई हुई मुझे लग रही है, क्योंकि इस तरीके से किसी का भी सरेआम मर्डर हो जाता है और किसी को कानो कान भनक नहीं लगती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।